अहम खबरें दिखाएंगे। हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है आगे पाट पीछे सपाट। कुछ ऐसे ही मुहावरे की पंक्ति को चरितार्थ करते हुए सागर में सत्य के नशे में चूर भाजपा कार्यकर्ता कुछ इस कदर मधुस है कि अपने उन्हें अपनी सरकार के प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था के लिहाज से जारी फरमान की जरा भी फिक्र नहीं और उनके द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर जमकर जारी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जैसे प्रशासन के आदेश पर 3 बत्ती क्षेत्र में लागू धारा 144 मजाक बनी हुई और इसके तहत जारी प्रतिबंधों का जरा भी पालन होता नहीं दिख रहा। खास बात यह है कि जिला दंड अधिकारी के लागू प्रतिबंधित आदेश के तहत गौर मूर्ति पर सर्कल में किसी भी प्रकार के राजनीतिक सामाजिक सहित अन्य आयोजन के लिए यह स्थल पूर्णतः प्रतिबंधित है और यहां 5 से अधिक लोगों को एक साथ मौजूद होने पर जारी आदेश में साफ साफ शब्दों में प्रतिबंधित है। बावजूद यह स्थल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का राजनीतिक लोगों के लिए अड्डा बन गया है। यहाँ आए दिन किसी न किसी बात को लेकर यहाँ बिना प्रशासनिक अनुमति राजनीतिक दल के लोग अपनी महफिल सजा आयोजन करते हुए धारा 144 का माखोल लड़ा खूब उल्लंघन कर रहे हैं। जिनमें सत्ताधारी दल में जुड़े भाजपाई भी पीछे नहीं, जिन्हें भले ही संगठन के द्वारा पार्टी विद डिफेंस के तहत अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है और अपनी सरकार में सुशासन कायम रहे इसकी निगरानी की नसीहत भी दी गई हो, पर यही छुट भैया भाजपाई पार्टी की नसीहत को दरकिनार कर महज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने जारी निर्देशों को पलीतल लगाते हुए नजर आ रहे यहाँ। हम आपको बता दें कि 3 बत्ती जैसे क्षेत्र में आए दिन होने वाले आयोजन को लेकर यहाँ के व्यापारी संघ ने मामले में न्यायालय की शरण ली थी और आयोजन के कारण होने वाले आमजनों की परेशानी से अवगत कराया था। यहाँ हम मामले में प्रशासन को पार्टी बनाए जाने के बाद इस मामले में प्रशासन से संबंधित 3 बत्तीस इकट्ठा जामा मस्जिद तक के लिए पृथक से व्यवस्था बनाते हुए धारा 144 के दायरे में लाकर निर्देश जारी किए हैं, जिनकी समीक्षा उपरांत समय समय पर लागू धारा 144 की अवधि बढ़ाई जाती है जो वर्तमान में भी लागू है। जहां आदेश का 100% पालन हो इसकी निगरानी के लिए प्रशासन की भी कोई दिलचस्पी नहीं होने से उनके द्वारा जारी धारा 144 का आदेश मजाक बना हुआ है। आप भारत की सबसे बड़ी भाजपा की सत्ताधीश पार्टी के कार्यकर्ता हैं, धारा 144 इस क्षेत्र में लगी है, फिर भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा के लिए हम लोगों ने बात करके आपस में चर्चा करके उसकी परमिशन आपको किसने दी? इसकी परमिशन हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने ली है शायद। हम खबरें दिखाएंगे।